हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, समझ सी हम मल्टी विंडो ई कॉमर्स एसआई की ट्यूटोरियल से चल रही है, तो ऐसे हम कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में इसके प्रोडक्शन वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने प्रोडक्ट को डेटाबेस में इंसर्ट करा दिया था। हमारी ये टेबल है, अगर हम डेटाबेस में जाते हैं तो यहाँ पर हमने टेबल बनाई हुई है माई प्रो इंडस्ट्रो ई कॉमर्स, और इस के अंदर यहाँ पर हमारी टेबल है प्रोडक्ट्स, और इस टेबल में हमने यहाँ पर डेटा इंसर्ट किया हुआ है। ये हमारा पुराना डेटा है जिसमें हमने इमेज अपलोड नहीं की थी, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं और एक इसे भी डिलीट कर देते हैं, और एक डमी प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे यहाँ से। तभी हमारी टेबल पूरी एम्प्टी है। देन अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट वन, और यहाँ से हम इमेज अपलोड करेंगे एक, और देन इसके बाद यहाँ से ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी, एंड प्राइस डालेंगे। देन टेस्टिंग एंड एड, जैसे हम ऐड करते हैं तो हमने यहाँ पर ये अलर्ट लगाया हुआ, इसलिए अलर्ट आ रहा था। और यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट है सक्सेसफुल इंसर्ट हो चुका है। अगर हम डेटाबेस में जाकर चेक करें तो ये देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। तो अब हमें इसे डिस्प्ले कराना है, तो इसे डिस्प्ले कराने के लिए हमें इसे फेच कराना होगा। तो हम चलते हैं हमारे इस फंक्शन पर, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर मैनेज प्रोडक्ट नाम का फंक्शन है हमारा। देन इस पर हम सारे जितने भी हमारे डेटाबेस प्रोडक्ट इंसर्टेड है उन्हें हम गेट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे डॉलर डेटा ऑल प्रोडक्ट्स प्लस टू डॉलर धीस। हमने यहाँ पर कॉमन मॉडल बनाया हुआ है एक, जिसे हम हमारे हर ट्यूटोरियल में यूज़ करते हैं, और इसके अंदर एक फंक्शन है सिलेक्ट डेटा, ये वाला। तो इसे हम करेंगे यहाँ पर पेस्ट, तो सी एम कॉमन मॉडल, देन यहाँ पर हमारा फंक्शन है सिलेक्ट डेटा। देन इसके अंदर हम यहाँ पास करेंगे हमारी टेबल का नाम, तो हमारी ये प्रोडक्ट्स टेबल है। दोबारा नाम कर लेते हैं, तो ये देखिए प्रोडक्ट्स हमारी टेबल है। देन उसके अंदर फील्ड्स चाहिए हमें, तो फील्ड्स है हमें सभी चाहिए ऑल, और वेयर कंडीशन यहाँ पर हमारी कुछ भी नहीं है। और इस डेटा को हमने यहाँ पर पास किया हुआ है, और इस वेरिएबल को हम गेट कर लेंगे हमारे व्यू पर मैनेज प्रोडक्ट पर। तो हम ओपन करते हैं इसे व्यू के अंदर एडमिन, और यहाँ पर है मैनेज प्रोडक्ट। देन यहाँ पर हम इसे टेबल के जस्ट ऊपर एक बार प्रिंट कराते हैं, देखते हैं किसके अंदर हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं या नहीं। तो हमें देंगे एको प्री एंड प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पर हमें लगाना होगा डेवलप, रिफ्रेश करेंगे तो अनएक्सपेक्टेड धीस आ रहा है लाइन नंबर 222 पर। तो हम चेक करते हैं इसे क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया था। देन अगेन हम इसे करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखिए यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो अब इस प्रोडक्ट को हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है हमारी टेबल पर, तो हम इसे डिस्प्ले कराएंगे। तो इसे हम करते हैं इसे रिमूव, हम वेरिएबल कॉपी कर लेते हैं और अदर कंटेंट हम कर देंगे रिमूव। देन इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फोर इच लूप, टी बॉडी क्रिएट करेंगे। देन उसके अंदर लिखेंगे हम पीएचपी स्क्रिप्ट हमारी, और यहाँ पर हम लिखेंगे फोर ईच डॉलर ऑल प्रोडक्ट एस डॉलर प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम देंगे टी आर टी डी। देन यहाँ पर हम एक आई वेरिएबल बनाएंगे फॉर इंडेक्सिंग पर्पस। देन इसे यहाँ पर हम देंगे पी एच पी एको डॉल आई। देन इसे ही हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पर हम देंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है इसके अंदर से चलिए हमें नेम चाहिए, हम फील्ड देख लेते हैं। तो फील्ड है नेम, देन इसी तरह इसको कॉपी करेंगे हम। सेकेंड हमें चाहिए ब्रांड, देन इसके बाद कैटेगरी, देन उसके बाद हमने दी है यहाँ पर सब कैटेगरी, देन क्वांटिटी,
प्राइस डिस्क्रिप्शन, देन यहाँ पर हम देंगे टीडी में भी एक्टिव स्टेटस देंगे, यहाँ पर फिलहाल हम स्टैटिक लिखेंगे एक्टिव, और यहाँ पर हम देंगे इनपुट टाइप चेकबॉक्स, यहाँ पर होंगे एक्शन तो टीडी, और एंकर टैग लेंगे, देन इसमें हम लिखेंगे फिलहाल इसका जो एक्शन होगा वो हम ब्लैंक रखेंगे, लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट कॉलन सेमी कॉलन, देन क्लास btn हाइफन इन्फो, और इस पर हम देंगे एडिट, साथ साथ यहाँ पर हम देंगे जावा स्क्रिप्ट कॉलन सेमी कॉलन क्लास btn हाइफन डेंजर, और इसे देंगे डिलीट एंड रिफ्रेश करेंगे हम इसे, तो हमें यहाँ पर आ रहा है प्राइस अनडिफाइंड इंडेक्स आ रही है, तो हम देखते हैं प्राइस का क्या है हमारी फील्ड यहाँ पर, तो कैपिटल पी है और हमने यहाँ पर स्मॉल पी लिखा है, इसका इशू आ रहा है प्राइस, और रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, इमेज प्रॉपर नहीं आ रही है, तो सेकेंड इमेज है तो हमें इसे ही करना होगा, तो यहाँ पर हम नेम के बाद आते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे टी डी, और यहाँ पर एक आई एम जी टैग लेंगे, देन इसमें हम इसकी लोकेशन देंगे एको बेस यूआरएल, देन लोकेशन सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो हमारी जो लोकेशन है वो है ट्यूटोरियल फोल्डर पर, अरे ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, देन इसके अंदर अपलोड्स प्रोडक्ट इमेज है, तो यहाँ पर हम इसकी लोकेशन देंगे बेस यूआरएल स्लैश अपलोड स्लैश प्रोडक्ट इमेज स्लैश, देन जो हमें प्रोडक्ट के अंदर जो इमेज मिलेगी हम उसे यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, तो देंगे डॉट और फील्ड का नाम है इमेज, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इमेज, और ये थंबनेल है तो इसके लिए हम विड्थ हाइट फिक्स करेंगे यहाँ से, तो लिखेंगे विड्थ 50 पिक्सल और हाइट भी होगी इसकी 50 पिक्सल, हमें पहले रखना होगा नेम के भी पहले, यहाँ से हम करेंगे कट और इसे यहाँ पेस्ट करेंगे एंड रिफ्रेश, तो ये हमारी इमेज आ गई है, नेम आ रहा है, देन यहाँ पर अब हमें ब्रांड के यहाँ पर एक चेंजेस करना है, यहाँ पर ब्रांड की आईडी आ रही है तो हमें इसकी जगह इसका नाम लेके आना है, तो इसके लिए हमें ज्वाइन लगाना होगा, तो हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर पर, और जिस जगह पर हमने यहाँ पर क्वेरी फायर आईडी उसी के ऊपर हम फंक्शन कॉलिंग करेंगे डॉलर धीस डी बी ज्वाइन, ये कोऑर्डिनेटर का प्री डिफाइन फंक्शन है जो ज्वाइन लगाने के लिए इसके जाता है, तो हमें ज्वाइन लगाना है प्रोडक्ट ब्रांड टेबल से, तो हम इसे ओपन करते हैं प्रोडक्ट ब्रांड को यहाँ पर, और यहाँ से हम इसका नाम गेट करेंगे प्रोडक्ट ब्रांड, और यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे प्रोडक्ट्स डॉट ब्रांड में जो वैल्यू है वो होनी चाहिए प्रोडक्ट ब्रांड डॉट आईडी के, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल से तो सारा डाटा फेच करेंगे, और सेकेंड जो प्रोडक्ट ब्रांड है वहाँ से हम फेच करेंगे ब्रांड नेम, और इसे यूज़ करेंगे हम हमारे HTML पेज पर, तो इससे हमें प्रोडक्ट का ब्रांड डिस्प्ले होगा, देन अगेन हम रिफ्रेश करते हैं इसे, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है LG, और सारी इन्फॉर्मेशन हमारी प्रॉपर है, एक्टिव पर एक इशू है, एक्टिव का प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है टैग की, तो हम इसे ठीक करते हैं, तो ये यहाँ पर एक इशू आ रहा था इसे हम ठीक कर लेते हैं, और रिफ्रेश, तो ये देखिए हमारी जो प्रोडक्ट टेबल है वो प्रॉपर आ चुकी है, अगर हम कोई नया प्रोडक्ट इंसर्ट करें प्रोडक्ट टू, देन इसमें हम कोई सी इमेज सेलेक्ट करते हैं, देन इसके बाद इसे करते हैं हम ऐड, तो कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो चुका है, इन पेज रिलोड होगा और हमें प्रोडक्ट जो होगा विजिबल होगा, तो देखिए
हमने जो प्रोडक्ट इंसर्ट किया प्रोडक्ट टू, और उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक कि हमने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिलीट और अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी किसी वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी ये वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।